अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे हैं? आज हम ढाबा स्टाइल पालक पनीर बनाएंगे। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक बर्तन में 1 लीटर पानी ले लेंगे, उसमें 1 चम्मच चीनी डाल देंगे। जब पानी उबल जाएगा तब इसमें हम पालक को धो के साफ करके रखे हैं वो उसे डाल देंगे। पालक सिर्फ 5 सेकेंड के लिए इसमें छोड़ेंगे, नहीं तो इसका कलर काला हो जाएगा। अब हम पालक को निकाल लेंगे, आपको सिर्फ हम 5-7 सेकेंड तक ही उबालेंगे। अब हम एक बर्तन में चिल्ड पानी लेंगे और उस पालक को कढ़ाई से निकाल के पानी में डाल देंगे। इस प्रोसेस को करने से पालक का कलर ग्रीन बना रहता है। एक जार में थोड़ा सा हरा धनिया, 3 हरी मिर्च और पालक को ग्राइंड कर लेंगे। इसे खूब बारीक ग्राइंड करेंगे। इसके बाद हम एक कढ़ाई चढ़ाएंगे। कढ़ाई के गर्म होने के बाद उसमें 1 चम्मच रिफाइंड तेल या देसी घी डालेंगे। आप देसी घी में बनाइएगा और टेस्ट बढ़ जाता है। 3 हरी मिर्च, 1 टुकड़ा जावित्री का, 1 तेज़पात, 1 लाल मिर्च डाल के इसे पका लेंगे अच्छे से। हमारे मसाले अच्छे से पक जाएंगे तब इसमें हम 1 चम्मच हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1.5 चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन और 1.5 चम्मच बारीक ग्रेट किया हुआ अदरक देंगे और इसे खूब अच्छे से चलाएंगे। इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। 1 चम्मच इसमें ज़ीरा भी डालेंगे। अब इसमें हम 1 बड़ा प्याज बारीक कटा हुआ डालेंगे। प्याज को थोड़ा सा पकाने के बाद इसमें हम 1 छोटा टमाटर डालेंगे। टमाटर को डाल के अच्छे से पका लेंगे। अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया, 1/2 चम्मच लाल मिर्च। मिर्च और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। 1 चम्मच नमक डालेंगे। अब हम मसालों को अच्छे से भूनेंगे। इसमें हमने 1/2 कटोरी पानी डाल दिया है। अब इस मसालों को कम आंच पे पकाना है। अब इसमें हम 1 चम्मच कसूरी मेथी डाल देंगे और थोड़ी देर डालकर इसे पकाएंगे। मसाले को खूब भुन जाने के बबाद अब इस स्टेज पे 3 चम्मच दही फेंट के डाल देंगे मसालों में। अब मसालों में दही को अच्छे से मिलाएंगे। दही को डालने के बाद खूब अच्छे से थोड़ी देर पक जाने देंगे। अब इसमें हम पालक का पेस्ट डालेंगे। जार को भी धो के इसमें पानी डाल देंगे और फिर अच्छे से चलाएंगे। अब हमारा पालक और मसाला मिल गया है। अब इसमें हम 1 छोटी चम्मच गरम मसाला डालेंगे और अच्छे से चला देंगे। इसके बाद इसमें हम 3 चम्मच मलाई फेंट कर डालेंगे। इसको अच्छे से मिलाने के बाद इसमें हम 1 चम्मच मक्खन डालेंगे। मलाई और मक्खन से इन्हेंस हो जाता है। अब एक पैन में हम देसी घी लेंगे। पालक को क्यूब्स में काट कर थोड़ी देर पका लेंगे। अब हम अपने पनीर में पालक को डाल देंगे और हमने जो पनीर फ्राई किया था उसका तेल बचा था, अब इसके लिए एक बघार बनाएंगे। इसमें करीब 1 छोटी चम्मच लहसुन बारीक कटा हुआ, 1/2 चम्मच ज़ीरा, 1 लाल मिर्च। इसको अच्छे से पका लेंगे। इसे हम कम आंच पर पकाइएगा। इसको खूब अच्छे से पक जाने के बाद इसमें हम 1 छोटी चम्मच कश्मीरी मिर्च डालेंगे। इससे बघार अच्छा हो जाता है। अब ऊपर से इसमें हम 1 पनीर का क्यूब्स ग्रेट कर देंगे। हमारा पालक पनीर बनके तैयार हो गया है। मेरी ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।